अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बीफ नेहारी। बीफ नेहारी बनाने के लिए हमें जो नज़ा की ज़रूरत है उसमें है 3 पाव बीफ। बोंगा गोश्त ले लीजिएगा। अगर आप नलियाँ वगैरह डालना चाहें तो 3 पाव गोश्त के अलावा आप नलियाँ वगैरह भी डाल सकते हैं। साथ में चाहिए होगी एक अदद बड़ी प्याज स्लाइस में कटी हुई, 1 टेबल स्पून लहसुन, 1 टेबल स्पून अदरक, दोनों को मैंने 1 टेबल स्पून ले लिया है। आधी प्याली ऑयल चाहिए होगा हमें। नमक चाहिए होगा 2 टीस्पून, लेवल 2 टीस्पून नमक ले लीजिएगा। पिसी हुई लाल मिर्च चाहिए होंगी हमें 1 टीस्पून, भर कर लीजिएगा। सिया ज़ीरा चाहिए होगा हमें, काला ज़ीरा चाहिए होगा 1/2 टीस्पून, सफ़ेद ज़ीरा चाहिए होगा 1 टीस्पून, सॉल्ट पाउडर चाहिए होगा 1 टीस्पून, सौंफ चाहिए होगी हमें 2 टीस्पून, तेज़पत्ता 1 अदद लेकर इसको इस तरह टुकड़ों में तोड़ लीजिएगा। साथ में हमें चाहिए होगी 1 बड़ी इलायची, 5 से 6 लौंग, 5 से 6 काली मिर्चें, 4 अदद सब्ज़ इलायची। साथ में हमें चाहिए होगा 1 बादियान का फूल, 2 डंडी अगर बड़ी है कड़ी उसकी दालचीनी की, 2 डंडी ले लीजिएगा। अगर बड़ी है तो आप 1 ले लीजिएगा, छोटी है तो इस तरह टुकड़ों में ले लीजिएगा। जायफल आपका 1/4 हिस्सा जाएगा, जावंत्री जाएगी बिल्कुल 1 से 2 बाल जितनी। साथ में चाहिए होगी हमें तलहार मिर्चें, कश्मीरी लाल मिर्चें। ये देखें हमने, व्यूवर्स आप देख सकते हैं, इसके बीज निकाल दिए हैं, उसको दरमियान से काट के इसके बीज निकाल दिए हैं। साथ में ड्राई मसालों में हमें चाहिए होगी 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून पिसा धनिया, 1/2 टीस्पून कचरी पाउडर, 1/2 कप घी चाहिए होगा। साथ में चाहिए होगा 1 प्याली चक्की का आटा, व्हीट फ्लावर ले लीजिएगा 1 प्याली। हमें सबसे पहले निहारी का मसाला तैयार करना है। निहारी का मसाला तैयार करने के लिए हम तमाम मसालों को, साबुत मसालों को एक ही साथ डालकर ग्राइंडर में पीस लेंगे। ये आप देख सकते हैं मैं तमाम मसाले एक ही साथ डालकर ग्राइंडर में इसको पीस रही हूँ। ड्राई मसालों को छोड़ दीजिएगा, वो हम बाद में ऐड करेंगे। साथ में तलहार मिर्चें जाएंगी और हम अब इसको पीस कर निहारी मसाला तैयार करेंगे। इलेक्ट्रिक कनेक्शन की तरफ मैं इसको ले जाकर पीसती हूँ व्यूवर्स, फिर आपको बताते हैं। व्यूवर्स आप देख सकते हैं हमने मसाला पीस लिया है, हम इसको एक प्याली में निकाल रहे हैं। साथ ही में तमाम हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे, जिसमें है सौंठ, पिसी लाल मिर्चें हम आधी डालेंगे, आधी रोक कर रख लेंगे, वो भगार में लाल करके डालेंगे। मैं आपको बताऊँगी किस तरह करना है आगे का प्रोसेस। हमें सॉल्ट, धनिया पाउडर, कचरी पाउडर, हल्दी, तमाम अज़ा को हम किसी बड़े बोल में लेकर अच्छे से मिक्स करेंगे। ये मसाला आपने 1 से 1.5 किलो गोश्त तक के लिए पीस कर रख लिया है, अब आप इसको हसबे ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे। ये देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत कलर आ चुका है हमारे मसाले का, और इसमें से सौंफ की बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है। चलिए व्यूवर्स, चलते हैं हम बाकी के प्रोसेस की तरफ। हमारा निहारी मसाला तैयार हो चुका है। व्यूवर्स, अब हमने पतीली लेकर इसमें ऑयल डालकर, आधी प्याली ऑयल डालकर गरम रखा है। साथ ही में हम प्याज डालेंगे, प्याज को लाल होने तक पका लेंगे। व्यूवर्स आप देख सकते हैं हमारी प्याज यहाँ लाल होना शुरू हो गई है।
व्यूअर्स आप देख सकते हैं हमारी प्याज लाल हो चुकी है, साथ ही में हम लहसुन अदरक शामिल कर रहे हैं। तो अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। प्याज को लाल रखना है, आपने जलाना नहीं है। साथ ही में गोश्त शामिल कर देंगे। गोश्त को मैंने काफ़ी देर तक वॉश किया था, लेकिन गोश्त को जब भी आप रखते हैं तो वो अपना पानी सामने ले आता है। गोश्त शामिल कर दिया है मैंने। गोश्त की अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। व्यूअर्स, हमने प्याज और गोश्त को अच्छी तरह भून लिया है। अब हम ये अपना निहारी मसाला इसमें शामिल करेंगे। मैंने ये 3 टेबल स्पून शामिल किया है और 1 टेबल स्पून जितना बचा लिया है, क्योंकि मेरा गोश्त 3 पाव है। अगर आप 1 किलो से 1.5 किलो गोश्त लेंगे तो तमाम मसाला शामिल कर दीजिएगा। व्यूअर्स, मसाला डाल के भी हम अच्छी तरह भुनाई करेंगे और फिर 1 लीटर पानी शामिल करके हम इसको 1.5 से 2.5 घंटे के लिए गोश्त को गलने के लिए छोड़ेंगे। हल्की आंच पर हम गोश्त को पकाएंगे, ढक्कन ढककर हल्की आंच पर गलाएंगे। आप देख सकते हैं तलहार मिर्चों की वजह से कितना अच्छा सा रंग आ रहा है इसमें, इस पर बड़ा अच्छा खूबसूरत रंग आता है तलहार मिर्चों की वजह से। जो आप बाहर निहारी रेस्टोरेंट वगैरह में खाने जाते हैं, आप देखते हैं कि हल्की किस तरह नज़र आ रही होती है, वो किस तरह बनती है, वो भी हम आपको बताएंगे। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे 4 गिलास या 1 लीटर। हमने इसमें 4 गिलास पानी शामिल कर दिया है। अब हम एक जोश देकर इसको, यानी पानी हमारा हमने डाला है, ये अच्छी तरह उबल जाएगा निहारी के गोश्त के साथ। तो मैं इसकी आँच को हल्का कर इसको पकने के लिए रखूँगी। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं हमने जो निहारी में पानी शामिल किया था, निहारी के गोश्त में जो पानी शामिल किया था, उसमें अच्छी तरह उबाल आ चुका है। मैं अब आँच को दरमियाना करके हल्का करके ये देखें, अब व्यूअर्स आप देख सकते हैं हमने आँच को हल्का कर दिया है, दरमियानी हल्की आँच पे। अब ये हम गोश्त गलने तक पकाएंगे 1.5 से 2.5 घंटे तक। इसके बाद हम आटा शामिल करेंगे। आटा डालने के बाद हम 15 से 20 मिनट पकाएंगे और उसके बाद फिर हम तरी बनाकर ऊपर डालेंगे और बाकी का प्रोसेस हम गोश्त गलने के बाद आपको दिखाएंगे। व्यूअर्स, आप ये देख सकते हैं हमारा गोश्त भी गल चुका है, 2 घंटे हो चुके हैं, गोश्त भी हमारा गल चुका है और निहारी में जो भी ऑयल था वो बीफ का और आधी प्याली जो हमने प्याज से पहले शामिल किया था वो तमाम ऑयल ऊपर आ चुका है। अब हम ये ऑयल एक पतीली में निकाल लेंगे अलहदा से, क्योंकि आटा डालने के बाद तमाम ऑयल आपका गायब हो जाता है, तमाम ऑयल पोंग के गोश्त में। वैसे भी जब आप उसको पकाएं तो उसका अपना भी ऑयल बाहर आ जाता है। इस तरह हम तमाम ऑयल निकाल लेंगे। एक प्याली जो आटा था हमारे पास, व्यूअर्स, अब हम एक प्याली चक्की आटे में 1 गिलास पानी शामिल करेंगे और इसे विस्क की मदद से फेंट लेंगे। व्यूअर्स, आप ये देख सकते हैं हमने यहाँ आटे को पानी के साथ मिक्स करके और अच्छी तरह विस्क की मदद से बीट कर लिया है, फेंट लिया है इसे हमने। अब हम निहारी में थोड़ा थोड़ा करके शामिल करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे।
व्यूवर्स, आप देख सकते हैं हमने निहारी में एक ग्लास फुल पानी के साथ आटा, एक छोटी प्याली यानी 3 टेबल स्पून, अगर आपको एक छोटी प्याली में अंदाज़ा नहीं हो रहा तो 3 खाने वाले चम्मचे आटा एक ग्लास पानी में घोल के आप डाल दीजिएगा। 3 खाने के चम्मचे आप फुल आटा भर के लेंगे और 1 ग्लास पानी में घोल के डाल लेंगे। अब हम ये देखें, यहाँ हमारी निहारी के आटे को जो हमने ये डाला है इसको मिक्स करके और 20 से 25 मिनट पकाएंगे। आप इसको आधा घंटा भी पका सकते हैं, आटे का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम इसके अंदर जो ऑयल बचा हुआ था वो डालेंगे और फिर हम ऊपर तरी बनाकर डालेंगे जो हमें आपको सिखानी है। व्यूअर, आधा घंटा हो चुका है और हमारी निहारी में हमने जो आटा डाला था उसके बाद हमने इसको आधा घंटा पका लिया है, आटे का कच्चापन भी ख़त्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर वाला ऑयल शामिल करेंगे जो हमने निहारी से उठाया था। ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा कलर आ गया है। अब हम इसको बिल्कुल हल्की आंच कर देंगे और एक तरफ हम तरी तैयार करेंगे। व्यूअर्स, आप ये देख सकते हैं, व्यूअर्स आप ये देख सकते हैं, हमने जो आधी प्याली घी बचाया था, आधी प्याली तेल में हमने निहारी अपनी चढ़ाई थी और आधी प्याली घी हमने बचाया था। साथ ही में हमने किसी भी लाल मिर्चें भी बचाई थी, आपसे कहा था हम बाद में बताएंगे आपको, आधी यूज़ करनी है आधी रखनी है, बाद में बताएंगे क्या करना है। हमारा घी गर्म हो रहा है, हमें इसमें मिर्चें डाल के फ्राई करनी है। साथ में ही थोड़ा सा निहारी मसाला जो बचा हुआ था उसमें से 1/2 टीस्पून जितना लेके मैं इसमें डालूंगी, किसी भी लाल मिर्च और निहारी मसाला। रख लेंगे, जैसे ही ये फ्राई हो जाएगा हम निहारी में इसका भगार डाल देंगे, या फिर आप अलग से भी रख सकते हैं, जब प्लेट में आपको प्रेजेंटेशन करनी हो जब डाल सकते हैं, लेकिन मैं निहारी में डाल दूंगी। फिर आप नमक चेक कर लीजिएगा डालने से पहले कि अगर आपको निहारी में अपनी नमक कम लग रहा हो तो आप डाल दीजिएगा, मिर्ची डालने की ज़रूरत नहीं है। नमक अगर कम लग रहा हो तो डाल दीजिएगा, और अगर आपको नमक बिल्कुल लेवल लग रहा है तो आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है डालने की। ये हमने निहारी में डाल दिया है, अब 5 मिनट के लिए हम रखेंगे चूल्हे पर और डिश आउट करेंगे। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं हमारी निहारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम इसको प्रेजेंट करने जा रहे हैं, सर्व करने जा रहे हैं। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं हम अपनी निहारी को डिश आउट कर चुके हैं। अब हम बाकी के तमाम लवाजमात के साथ हरा धनिया, हरी मिर्चें, अदरक और नींबू के साथ सर्व करेंगे, और साथ ही में नान के साथ आप सर्व कर सकते हैं निहारी को, गर्मा गर्म नान के साथ एंजॉय कीजिए। और हमें ये भी बताइए कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। व्यूअर्स, हमारी निहारी पर हमने गार्निश भी कर दिया है, अब आप इसे नान के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, रेसिपीज़ को लाइक करें, कमेंट कीजिए, और ये भी बताइए कि आप मज़ीद क्या क्या सीखना चाहते हैं ताकि हम अपनी ये मज़ेदार रेसिपीज़ आपकी खिदमत में हाज़िर हों लेकर। व्यूअर्स, अगली रेसिपी तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।